सर ये बड़ा चिंता की है और बड़ा दुखद की बात है कि 18,000 से 22,000 फीट ऊंची जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ की जो हमारे जहांबाज फौज तैनात है, उन लोगों को रख रखाव हम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कहते, ये सीएजी के रिपोर्ट ये बताते हैं कि वो सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जहांबाज फौजों के लिए हम सही ढंग से सारे सामान उनको मुहैया नहीं कराते। सर जहां एग्स और टोमेटो यूज टू टर्न इन टू स्टोन इन द ईयर 1984 सर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया वो सियाचिन ग्लेशियर में जब राजीव गांधी जी थे, इसलिए कि वो सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान और चाइना ने कब्जा करना चाहते थे और उसी समय ये ऑपरेशन मेघदूत चलाकर ये सियाचिन ग्लेशियर हमारे फौज ने कब्जा किया और उसके चलते आज चाइना और पाकिस्तान ये जो दोनों थ्रेट है उससे हम बच के रहते हैं। सर आज तक करीब 900 से ज्यादा हमारा फौज ने वहां से मर चुके हैं, इसलिए वहां की जो वेदर है वो इंक्रीमेंट वेदर इनहॉस्पिटेबल वेदर, उसमें तरह तरह की रोग होते हैं सर, जैसे कि हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, फ्रॉस्ट बाइट, व्हाइट आउट, बहुत सारे रोग होते हैं सर। ये सर देखने में आपको भी बुरा लगेगा कि सीएजी रिपोर्ट क्या कहते हैं। सीएजी रिपोर्ट कहते हैं कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट आइटम्स, देयर आर क्रिटिकल शॉर्टेज इन स्नो गॉगल्स रेंजिंग फ्रॉम 62% टू 98%, द ट्रूप्स वर नॉट इशूड मल्टीपर्पज बूट from November 2015 to September 2016 and had to resort to recycling of available boots. Further old versions of items such as face mask, jacket, sleeping bags were procured which deprived the troops from the benefits of using improved products. Lack of research and development by defense laboratory led to continued dependence on import. Sir, special ration, wo bhi nahi diya jata hai. Sir, dekhiye, this compromised the calorie intake of the troops by as high as 82%. At lay station, in one instant, it was noticed that the special ration items were shown as issued to troops for consumption without their actual receipt. So, sir, kya ho raha hai? Ye Hindustan ke sarkar, har sir Hindustan ki sarkar 6,000 crore rupiya ye sarkar ki advertise ke liye kharcha ki hai aur hamara fauj un logo kapra nahi aaye. मीनाक्षी लेगी सर, जिस विषय को लेकर लगातार सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, वहां पता चला कि शाहीन बाग के पीछे जो लोग शामिल हैं, कल गोली मारने की जो कोशिश की गई और जो तथ्य सामने आया वो कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का एक मेंबर था और वो मेंबर जो है उसकी तस्वीरें पाई गई और ये पूरा का पूरा मामला आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड कार्रवाई जो है षड्यंत्र चल रहा है पूरी दुनिया के आगे सरकार को बदनाम करना देश के खिलाफ कार्रवाई करना की हरकतें हो रही है ये पूरी स्पॉन्सर्ड प्रायोजित रणनीति है खासतौर पे चुनाव को ध्यान में रखते हुए। आज अध्यक्ष जी हमने इलेक्शन कमीशन को भी ये बात कही है कि इन सब का खर्चा आम आदमी पार्टी के खर्चे में डाले क्योंकि उप मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हम शाहीन बाग वालों के साथ हैं और साथ में उनके मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं चुनाव के समय पर भले ही हनुमान चालीसा का पाठ करें यहाँ बैठे हुए लोग भी वो हैं जो जिन्हें कोट के ऊपर पहनते हैं। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.